चले देखिए। तो हम लोग बात कर रहे थे प्रौढ़ शिक्षा के, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि शिक्षा हम लोगों को सिखलाती है अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए। खास तौर से अगर प्रौढ़ शिक्षा है तो उससे आप गलत चीज़ों का सहारा नहीं लीजिएगा। नई नई चीज़ें आप यहाँ पे सीखते हैं बाबू, और उन सारी चीज़ों से खुद को दूर करते हैं जो चीज़ें आपके जीवन को निरस्ता देती हैं, आप झेलते रहते हैं। परसों की ही बात ले लीजिए, हम परसों बहुत परेशान थे, उससे कई दिन पहले से ही परेशान थे, कोई हमको मदद करता नहीं। मदद करने के नाम पे सब क्या करते हैं, पाँव छू लेते हैं, बस हो गया मदद, तो उतना से तो कुछ होता जाता नहीं है। मदद विचारों की होनी चाहिए, मंथली होता है उनके पेरेंट्स दे देते हैं फी, लेकिन वैचारिक मदद वे लोग कहाँ दे रहे हैं। तो अगर थोड़ा सोचे विचारे तो लोग मदद दे सकते हैं वैचारिक स्तर पर भी। तो शिक्षा ही मदद करती है बाबू नए नए लोगों से मिलने में। गर्व होता है, अगर स्वाभिमान है उसमें और अभिमान में अंतर करवाती है। गर्व करने वाली चीज़ों पे गर्व करवाती है शिक्षा। उसके बाद जैसे दुर्बलता पे अभिमान होना चाहिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने ये बतलाया। उसके बाद खुशी है या उपलब्धि है, तो खुशी और उपलब्धि की बातें भी शिक्षा ही हमें बतलाई। उसके बाद एक लायक इंसान ही बाबू दूसरे लायक इंसान की मदद, या लायक इंसान ही अपने से कमजोर की मदद करता है। तो बाबू ऐसे सूरत में ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर आप अच्छे पिता बनिएगा, अच्छा बच्चा है तो अच्छा पिता बनिएगा, अच्छा पिता बनिएगा तो अच्छा दादा भी बनिएगा, पढ़ा लिखा दादा बनिएगा। कई ऐसे लोग मिले हैं जो कहते हैं कि मेरे दादाजी इंग्लिश के न्यूज़पेपर के एडिटर हैं। कई एक ने तो कहा कि मेरे दादाजी टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर के एडिटर हैं। तो ये सारे प्रौढ़ शिक्षा के ही परिणाम है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रौढ़ शिक्षा होनी चाहिए बाबू। अब थोड़ा आगे चलते हैं बाबू, प्रौढ़ शिक्षा की बात करें तो ये कुछ समय पहले तक लोगों को ख्याल भी नहीं आता था, संभव ही नहीं था। लोग तो ये मान लिए थे कि बुढ़ापे में कहीं शिक्षा होता है, बूढ़ सुग्गा पोष माना है, ठीक है। कहने का मतलब है कि बूढ़े तोते कुछ सीखते नहीं है, लेकिन अब ये संभव है। सरकार प्रौढ़ शिक्षा अभियान चालू की है बाबू, जो कि बहुत अच्छी बात है। कुछ एनजीओ का भी सहयोग रहा है और कुछ हम जैसे प्राइवेट ट्यूटरों का भी सहयोग रहा है। अब थोड़ा सा और आगे चले, है कि नहीं। देखो बाबू, जब स्पोकन इंग्लिश सर बतलाए थे कि बैंक में जब कंप्यूटर आया था तो उस समय में बहुत ज़्यादा लोगों को अंग्रेजी के कारण, अंग्रेजी ना आने के कारण दिक्कत होती थी, मैनुअली वर्क हुआ करते थे। पर उस समय में कई सारे बच्चे आए जो इनकी उम्र 50 के आसपास थी, 40 के आसपास थी, वो स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए आए थे, तो बहुत अच्छा था। एक लोकल टी शॉप, एक सामान्य चाय का दुकान जहाँ पे मैं काम किया करता था, मैं शिक्षा के लिए वहाँ से इतनी आमदनी कभी नहीं कर पाता था बाबू। मतलब कर पाती थी कि कुछ अपना मतलब पढ़ाई लिखाई कर सकूँ। बहुत सारे गरीब लड़के लड़कियाँ हैं तो वो पढ़ाई पैसे के अभाव में नहीं कर पाते हैं, किसी को इतने मिल जाते हैं कि वो
उसी अधिकता के कारण ही पढ़ाई लाड प्यार में नहीं कर पाते हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग। मैं अक्सर जब बड़ा हुआ तो अपना बिल बनाने के लिए किसी दूसरे का सहायता लेती थी। इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे, मैं पढ़ी लिखी नहीं थी तो कम पैसा दिया जाता था, और जो पढ़े लिखे लोग थे उन्हें अधिक पैसा दिया जाता था। ये अंतर भेदभाव तो होगा ना। कई लोगों को मैं उनके हेयर स्टाइल से या दाढ़ी से या मूंछ से पहचानती थी। जब वो मतलब कि मेरे यहाँ आते थे तो, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे तो उनसे बातचीत तो मैं करती नहीं थी, तो नाम कैसे जानूंगी। काम भर बातचीत करते थे। तो ये सब चीजें समझिए बाबू, खर्चा बहुत था उन दिनों, तो खर्चे को भी काबू में नहीं कर पाते थे। फिर बैंक में अगर आप चाहो तो लेन देन है, कितना पैसा जमा करना है, निकालना है, ये सब में भी दिक्कत होता है नहीं पढ़े लिखे होने से। और एक अंगूठा लगाना अपने आप में खराब लगता है बाबू। अब मैं पढ़े लिखी हूँ, प्रौढ़ शिक्षा के कारण ये महिला पढ़ लिख ली है, तो लेन देन कर सकती है। मुझे पढ़ा लिखा कुछ कागज पे लिखवाना है या पढ़वाना है कुछ लिखा हुआ है, तो इसके लिए दूसरों की सहायता की जरूरत नहीं है, और कुछ पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं है इसके लिए। अब मैं बोर्ड पे भी कुछ लिखा रहता है तो उसे पढ़ पाती हूँ, कोई नोटिस वगैरह रहा तो पढ़ पाती हूँ। पहले मैं शर्मा जाती थी, लजा जाती थी, या अपने आप को हीन समझती थी। अब मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ एक मुस्कान देती, अच्छा बच्चू रणवीर, नौ सौ चूहा खाकर रणवीर चला सराफत अली बनने। काम चोरी का और नाम सराफत अली, दिन भर खेलते हो, अल कहते हो रात दिन पढ़ाई करते हैं। अब देखो बाबू, मैं हमेशा ही एहसानमंद रहूंगा उन सारे लोगों का जिन्होंने मुझे शिक्षा दिया है, तो रहूंगी, बल्कि ये महिला हमेशा एहसानमंद रहेगी। शिक्षा अपने आप में बहुत ही मूल्यवान चीज है बाबू, है ना। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आज आपको पता नहीं चल रहा है क्योंकि आज आप, आपको बहुत सारे दोस्त हैं, अभिषेक है, सोनू है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको आप गांव में जानते हैं, है ना। तो आपको दिन काटने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है और समय बहुत थोड़ा है। सूरज कब निकलता है कब डूबता है पता नहीं चलता। एक समय ऐसा होगा ना कि सूरज डूबेगा ही नहीं जल्दी, और कोई नहीं रहेगा आपके आसपास, आप अकेले पड़ जाओगे, तो उस समय में पढ़ाई की कीमत समझ में आ जाएगी। रह जाएगा तो बस बच्चों का स्कूल फी, पत्नी का राशन, घर का राशन, पत्नी का श्रृंगार का सामान, पर्व त्योहार, गैस सिलेंडर, स्कूल फी, यही सब दुनिया जहान। अब उस समय में आप अपना सिर का बाल नोचोगे, नोचने से पहले ही टकले हो जाओगे।
अभी तो 12 स्थान से ऐसे मारते होंगे हाथ, है कि नहीं? देखो बच्चू, अकल के कच्चू समझते हो, साफ समझते हैं सर। तो ये वो दिन आए, उससे पहले आप खुद ही समझदार हो जाओ, क्योंकि अब जब आप सोनू से मिलोगे, सोनू आपसे बातें नहीं करेगा कि हमको यार काम करने जाना है, पत्नी ये बोली है। बिरजू से मिलोगे, बिरजू कहेगा मेरे पास टाइम ही नहीं है, कोई नहीं रहेगा। आप कहोगे यार हम ही फालतू हैं, कोई भी दोस्त नहीं रहेगा, पूरा गांव खाली रह जाएगा। कितनी दिलचस्प बात है ना बाबू, कि बचपन कितना खूबसूरत होता है, कि दोस्तों का अंबार होता है। सूरज कब निकलता है कब डूबता है पता ही नहीं चलता है, अगले दिन फिर खेलने का जोश भरा रहता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि कोई नहीं रहता है, सारा जोश हवा हो जाता है, न पर्व रहता है न त्योहार रहता है, बस जिम्मेदारियों और सामाजिक शिष्टाचार व्यवहार रहता है।